वंदे मातरम साथियों, मैं अतुल भारत आपके लिए खबर लाया हूं कि आज 28 मई की सुबह झारखंड के सरायकेला में हुए आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान घायल हो गए हैं। घायलों में सीआरपीएफ की 209 कोबरा यूनिट के 8 जवान और झारखंड पुलिस के 3 जवान शामिल हैं। यह जवान किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे थे कि तभी इसी दौरान सरायकेला के कुछ ही इलाके में यह धमाका हुआ और यह जवान इसकी चपेट में आ गए। राज्य के डीजीपी डीके पांडे ने इस हमले के बारे में कहा है कि नक्सलियों ने चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए यह विस्फोटक लगाए थे। इस आईईडी में नक्सलियों ने आज विस्फोट किया है। कोबरा, झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस इलाके में संयुक्त अभियान चला रही है। इस आईईडी ब्लास्ट में 11 जवानों में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। घायल जवानों को घटनास्थल से निकालकर विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए रांची ले जाया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स भी इस घटना के पीछे नक्सलियों को बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने धमाके को बाद फायरिंग भी की है। गौरतलब है कि अप्रैल में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आईईडी हमले में बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी और 5 जवान शहीद हो गए थे। मंडावी दंतेवाड़ा क्षेत्र के विधायक थे। हम आपको बता दें कि इन नक्सली हमलों में भारत ने पिछले 10 वर्षों में 1150 जवान खो दिए हैं। इन सभी शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि व नमन है। इस खबर को आप शेयर करके अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।